हाय गाइस, टुडे आज मैं आप लोगों को कुछ पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आप लोगों से एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट बात करने आया हूँ, और शायद मेरे अकॉर्डिंग आप लोग इतने मैच्योर हो चुके हो 10th 11th क्लास में कि आपको अपने अराउंड सराउंडिंग्स की अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि आपके चल रहा है, कि आपकी कंट्री में चल रहा है, कैसा आपका फ्यूचर रहेगा। आई थिंक आप लोगों में वो चीज़ों की थिंकिंग स्किल्स आने लग जाती हैं 10th 11th एंड 12th क्लास में। ज़रूरी नहीं कि कंट्री के बारे में सोचना या फिर अपने फ्यूचर के बारे में सोचना सिर्फ कॉलेज वाले ही बच्चे करते हैं। स्कूल स्टूडेंट्स आर ऑल्सो दैट मच मैच्योर टू थिंक अबाउट दीज टॉपिक्स। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रिजर्वेशन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि इंडिया में रिजर्वेशन होता है स्टूडेंट्स का ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट मींस जनरल के लिए जीरो रिजर्वेशन है, ओके, एंड ओबीसीज के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है कुछ, एंड देन एससी एसटीज के लिए कोटा दिया जाता है, उनके लिए सीट रिजर्व्स होती हैं, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का फील्ड हो, चाहे वो पार्लियामेंट का फील्ड हो। हर एक फील्ड में एससी एसटीज एंड ओबीसीज एंड माइनॉरिटीज और बहुत सारी कैटेगरीज डिवाइड कर रखी है, उन सबको सीट्स रिजर्व करी जाती हैं। बट माय क्वेश्चन इज, डू वी रियली नीड इट? क्या हमें अभी भी सच्ची में इस चीज की जरूरत है? सो इस चीज का आंसर मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए, क्या हमें रिजर्वेशन सिस्टम की इंडिया में जरूरत है या नहीं। आई एम नॉट सेइंग दैट कि एससी एसटीज को कोटा मत दो, एंड जो मतलब कि वो बहुत फायदा होता है उन्हें इस चीज से गवर्नमेंट सेक्टर्स में, ठीक है, एजुकेशनल फील्ड में, पार्लियामेंट में। आई एम नॉट सेइंग दैट you should give government should give quota on the basis of economic means, ghar ke halaton par unhe reservation do. Agar koi gareeb hai, below poverty line hai, zarur do usko reservation, he deserves it. Usko pura equality milni chahiye, equity milni chahiye har ek student ke barabar. Agar aap pad rahe ho for example, aur aap jab 12th ke baad entrance exam doge, jab aap colleges ke liye jaoge, तो जनरल के लिए कट ऑफ अलग आएगी, एससी एसटीज के लिए अलग कट ऑफ आएगी, ओबीसीज के लिए अलग कट ऑफ आएगी, माइनॉरिटीज के लिए अलग कट ऑफ आएगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा यार कि जनरल इस चीज में थोड़ा, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, मैं हालांकि अकॉर्डिंग टू मी, मैंने कभी अपने फ्रेंड्स को, कभी अपने फ्रेंड सर्कल, कभी भी अपने दोस्तों को, टीचर्स को, किसी को भी मैंने कभी इस नजर से नहीं देखा सीरियसली, दैट ही इज एससी और एसटी और ही इज ओबीसी एंड आई एम जनरल और आई एम ओबीसी, ही इज जनरल। मैंने ऐसे कभी किसी को नजर से नहीं देखा, एंड आई डोंट नो व्हाई दैट गवर्नमेंट थिंक्स दैट पीपल सी ईच अदर बाय ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। अरे माना यार, होता था पहले टाइम में, हुआ करता था, बट हम बच्चों की है गलती इसमें। और ये 100-150-200 साल पुरानी बातों को लेके ये अभी भी इन्होंने रिजर्वेशन सिस्टम चला रखा है, क्या इसकी सीरियसली अभी भी इंडिया में जरूरत है? प्लीज थिंक अबाउट इट। मैंने बहुत बड़ा पॉइंट उठाया है, आई नो आप में से बहुत लोग मेरे से डिसअपॉइंट भी होंगे और बहुत लोग मेरे से समर्थन में भी आएंगे, सपोर्ट भी करेंगे, बिकॉज it is getting very much difficult for general category to enter into government sectors. उन्हें बहुत 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 घिसना पड़ रहा है, हद से ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। आप एससी हैं, एसटी हैं, आप मेहनत कीजिए, बिल्कुल कीजिए, बट इकोनॉमिक बेसिस पे कोटा क्यों नहीं दिया जा रहा?
और गवर्नमेंट क्यों इसे मजाक बना के हर बारी अपने स्पीचेस में बोलती है दैट वी आर गोइंग टू गिव रिजर्वेशन टू दिस कैटेगरी टू दोस कैटेगरी। अरे भाई तुम इंडिया को खुद ही तो कैटेगरीज में डिवाइड करे जा रहे हो, एससी एसटी ओबीसी जनरल दलित, एंड देन यू आर सेइंग दैट इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, इंडिया में सारी जातियां बराबर की हैं, हाउ कैन यू से दैट? इज दिस अ वैलिड पॉइंट और नॉट? आप लिखिए कमेंट में, आप बताइए, अगर आप मेरे से डिसअपॉइंट हैं जरूर अपना पॉइंट लिखिए, वैलिड पॉइंट लिखिए कि क्यों ये रिजर्वेशन सिस्टम सही है, और अगर आप मेरे सपोर्ट में हैं तो जरूर कमेंट में लिखिए कि यस सर यू आर राइट, दिस सिस्टम शुड बी रिमूव्ड। आई एम नॉट सेइंग दैट रिजर्वेशन सिस्टम को पूरी तरह खत्म करा जाए, आई एम सेइंग दैट रिजर्वेशन सिस्टम शुड बी ऑन कास्ट, सॉरी शुड बी ऑन इकोनॉमिक बेसिस। जो गरीब है उसे सीट दो, जो गरीब है उसे कॉलेज में एडमिशन दो। आई एम नॉट अगेंस्ट एससी एसटीज, आई एम जस्ट पुटिंग अप माई पॉइंट इन फ्रंट ऑफ यू, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसके अंदर घुसो, इस चीज को समझो कि हमारे देश के साथ खिलवाड़ करा जा रहा है इस टाइम पे। दीज ऑल पार्टीज, कांग्रेस एंड बीजेपी एंड आम आदमी, दे आर जस्ट डिवाइडिंग अस इनटू द ऑन द बेस ऑफ कास्ट। इन्होंने हमें कास्ट बेसिस पे डिवाइड करके डाल दिया है, यूनिटी खत्म करके डाल दिया इन्होंने हमारे देश की। आई नो यू नो आई एम गेटिंग एंग्री दिस टाइम बिकॉज बिकॉज इट इज बिकॉज आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम ऑल ऑफ दिस गाइज। और जैसे जैसे आप लोगों की एज बढ़ेगी ना, अगर आप अपने यंग एल्डर ब्रदर्स से पूछोगे, वो भी फ्रस्ट्रेटेड होंगे इस चीज को लेके। अरे भाई एक एससी का बच्चा जिसके पापा 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं कोटा की हेल्प से, जिसकी मम्मी गवर्नमेंट जॉब कर रही है कोटा की हेल्प से, क्या उस बच्चे को सीरियसली कोटा की जरूरत है, एससी कोटा की? और एक जनरल कैटेगरी का बच्चा जो बेचारा झोपड़ी में रह रहा है अपने माँ बाप के साथ, एंड इज फादर इज अ लेबर, और जो वेजेस कमा रहा है मतलब दिहाड़ियों पे बेचारा घर चला रहा है अपने को, वो जनरल कैटेगरी है, उसने बदसलूकी करी है एससी के साथ, इसलिए उसको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। व्हाई? सो अकॉर्डिंग टू मी दिस रिजर्वेशन सिस्टम शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर आप लोग मेरे सपोर्ट में हो देन प्लीज 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 डू सब्सक्राइब ऑन दिस वीडियो। मैं कोई ये व्यूज के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं, जो मेरे अंदर की फीलिंग्स है, जिस चीजों से मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, या जिस चीजों से लग रहा है मुझे कि मेरी कंट्री बर्बाद हो जाएगी इस चीज से, मैं ये नहीं कह रहा कि एससी एसटी बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, बट रिजर्वेशन के थ्रू कहीं ना कहीं नॉन डिजर्विंग स्टूडेंट्स जा रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में, और जो बच्चे डिजर्व करते हैं बेचारे, जो मेहनत करते हैं दिन रात, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो रिजर्वेशन सिस्टम के चक्कर में मारे जाते हैं, वो प्राइवेट जॉब्स में घुसते हैं जहां उन्हें 10 10 घंटे 12 12 घंटे वहां पे मेहनत कराई जाती है। ये गवर्नमेंट ने हमें बांट के रख दिया है सारी कास्ट बेसिस पे, एससी अलग, दलित अलग, यादव अलग, जनरल कास्ट अलग। व्हाई इज दिस सो? व्हाट इज हैपनिंग टू आवर कंट्री? हम जा कहाँ रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं? अगर आपको मेरा पॉइंट सही लग रहा हो तो प्लीज दोस्तों, प्लीज स्टूडेंट्स, प्लीज गाइस, मैं आपको बहुत बहुत पसंद करता हूँ, इसी वजह से मैंने आपके लिए ये वीडियो डाली है। मैंने कोई व्यूज के लिए नहीं डाली गाइस, बिल्कुल मत शेयर करना या बिल्कुल कुछ मत करना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो मैं आप इस वीडियो से एड्स रिमूव कर दूंगा, अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो चलेगी, इसके एड्स आएंगे, ये पैसा कमाएगा, मैं इस वीडियो से एड्स रिमूव कर दूंगा, एड ही नहीं चलने दूंगा, तब तो पैसा नहीं आएगा ना इस वीडियो से, तब तो आप लोग ये सोच सकते हो ना, नहीं यार ये देश के भले के लिए बोल रहे हैं आदमी, यू कैन थिंक अबाउट इट। ये मैं अपने मतलब के लिए या अपनी वीडियोस या चैनल को प्रमोट करने के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा हूं गाइस, ये मैं आप लोगों की हेल्प के लिए, देश के फ्यूचर के लिए, कंट्री की हेल्प के लिए बोल रहा हूं। आई नो ये बड़े बड़े नेताओं के आगे, गुंडे लोगों के आगे मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे को एक चुटकी में मेरे को उड़ा सकते हैं,
इंडिया में डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो जो आपका वैलिड पॉइंट है आप उसे बोल सकते हो, लोगों को सुना सकते हो, गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हो। सो ये मेरे पॉइंट्स है गाइस। अगर आपको गलत लगी मेरी वीडियो, गलत मेरे पॉइंट्स लगे, तो डू सब्सक्राइब, सॉरी डू कमेंट ऑन दिस वीडियो। और अगर आपको सही लगे प्लीज सपोर्ट करिए, मुझे कमेंट करके बताइए गाइस, बिकॉज इट्स अ वेरी 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 बिग टॉपिक फॉर दिस कंट्री राइट नाउ। हम अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग इन द डेवलपमेंट डायरेक्शन।